यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब एक बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर लव जिहाद को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। इस लिहाज से कि कानून बनने के बाद ये पहली एफआईआर लव जिहाद को लेकर बरेली में, कानून बनने के बाद यूपी के बरेली में पहली एफआईआर हुई है। इस आरोप में थाना देवरनिया पुलिस ने यूपी विधि कानून धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो कानून बनने के चंद घंटे बाद बीती रात करीब 10 बजे यह एफआईआर दर्ज हुई बरेली में। एक तरफ राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दी, कानून का रूप लिया इस ऑर्डिनेंस ने, और उसके बाद इसी मामले में दर्ज हुई पहली एफआईआर यूपी के बरेली में। जबरन धर्मांतरण का आरोप एक शख्स पर, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर चर्चा के लिए। शैलेश, बीती रात 10 बजे मतलब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जब अपना एक्सेंट दिया इस ऑर्डिनेंस के लिए, उसके बाद कानून की शक्ल ली और इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई चंद घंटों बाद, मतलब पहला केस जो एक कानून बनने के बाद यूपी में दर्ज होता है। अब बड़ा सवाल यह कि इस मामले में जो आरोपी फरार है, जब यह मामला अंजाम तक पहुंचेगा तो एक सही मैसेज लोगों तक जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आशा। देखिए, देश का पहला राज्य जहां इस तरह का कानून आया, उस राज्य का पहला जिला बना बरेली, जहां पर इससे जुड़ी पहली एफआईआर दर्ज हुई है। रात में 11:15 बजे के करीब, 10:30 से 11:15 के बीच में एफआईआर दर्ज हुई है। और इस एफआईआर की कॉपी को जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ धाराएं तो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन क्योंकि ये नई धारा जुड़ी, ऐसे में उसको हाथ से नीचे अंकित किया गया है एफआईआर कॉपी में, इसी वजह से। और जो एफआईआर है ये उवैश अहमद नाम बताया जा रहा है उस युवक का, जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और उसके बाद बरेली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर भी इसकी खुद जानकारी भी दी है लोगों में, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश भी है की है कि अब ये कानून आ चुका है और अगर इस तरह के मामले आएंगे तो पुलिस उन मामलों से इन्हीं धाराओं के तहत निपटेगी जो नया कानून लाया गया है। और देखिए, फिलहाल जो आरोपी है वो अपने घर से फरार है, और ये जो अपराध है जबरन धर्मांतरण कराने का, इसमें गैर जमानती वारंट की व्यवस्था की गई है एक्ट के अंतर्गत, 5 साल तक की सजा है, जुर्माना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पहली एफआईआर जो हुई है वो सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, बल्कि वो एक मैसेज भी है बाकी लोगों के लिए कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कानून आ चुका है, अब अगर ऐसा काम किया तो इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक मैसेज भी है कहीं ना कहीं इस पहली एफआईआर के माध्यम से। और फिलहाल पुलिस जो है वो अब उस आरोपी को ढूंढ रही है, क्योंकि जो लड़की है, जिसके लड़की के पिता ने जो एफआईआर कराई है, उसने साफ कहा है कि दबाव बनाया जा रहा था धर्मांतरण के लिए, और जो लड़का है वो और लड़की दोनों साथ में पढ़ते थे, उसी समय से इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। तो लगातार अब ये जो शिकायत आई है, इसके बाद पुलिस ढूंढने में लगी हुई है आरोपी को, और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। जी हाँ, बिल्कुल, जल्द से जल्द पुलिस इस आरोपी को पकड़े और ये जो मामला है जितनी जल्दी अपने अंजाम तक पहुंचेगा एक नजीर बनेगा कि जैसे ही देश के पहले राज्य में इसको लेकर इस तरीके का कानून बना, पहली एफआईआर दर्ज हुई और कितने रिकॉर्ड वक्त में ये पूरा ट्रायल चलकर अपने अंजाम तक पहुंचा, तो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश चर्चा के लिए।